राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। अगर आप किसी को अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग लेकर के आया हूँ। इस प्रयोग में कुछ लौंग की आवश्यकता है, 7 लौंग आपको लेना है। लौंग जब भी लीजिएगा तो साबुत लीजिएगा, खड़ा लीजिएगा, टूटा फूटा लौंग नहीं लेना है आपको। तांत्रिक कार्यों में टोटकों के लिए हमेशा जो लौंग होता है वो खड़ा होना चाहिए। और उसके नाम की आवश्यकता है, मात्र इतना नाम तो आपको पता ही होगा। आप इसको अपने बस में करना चाहते हैं चाहते हैं, उसका नाम कैसे बोल सकती हैं। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ यह प्रयोग करके देखिएगा, चमत्कारी असरदारी प्रयोग है आप लोग के लिए और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। श्रद्धा भाव, विश्वास और टोटकों के प्रति समर्पण भावना, आध्यात्मिक गुरुदेव के प्रति समर्पण भावना, इष्ट के प्रति समर्पण भावना से किया गया प्रयास हमेशा सफलदायी होता है। वशीकरण का प्रयोग, किसी को भी अपने बस में करके अपना इच्छित कार्य करवाना, मनचाही कार्य करवाने के लिए होता है। वशीकरण के माध्यम से आप किसी को भी अपने बस में करके अपना सभी इच्छित कार्य करवा सकते हैं। मगर एक बात आपको विशेष ध्यान देना है, भूल करके भी इसका प्रयोग बुरे नियत से नहीं करना चाहिए। किसी को बस में कर लीजिए, अपना इच्छा पूरा कर लीजिए, फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दीजिए, ऐसा भूल के भी नहीं करेंगे। क्यों कि हर क्रिया का कोई ना कोई प्रतिक्रिया होता है। आप जो भी करेंगे भविष्य में वो सामने आपके आएगा। किसी के नैतिक मूल्य के खिलाफ कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कानून की नज़र से जो अपराध हो उसका भी उपयोग ना करें। अपने बुद्धि का विवेक के अनुसार आप इसका सदुपयोग करें, मगर भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, लगता है कि जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, आपके रिश्तों में काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं और आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। किसी को अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से भी उसको छुटकारा दिला सकते हैं। कोई किसी बुरी लत का शिकार हो चुका है, किसी बुरे संगत का शिकार हो चुका है, वहाँ पर इसका प्रयोग करके उसकी तमाम बुराइयों से निजात दिला सकते हैं। अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माता पिता, पुत्र भाई बहन, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता हो सकता है। अगर रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती हैं तो वशीकरण का प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो किसी भी प्रयोग में आपको सफलता नहीं मिलती है, और यदि एनर्जी बैलेंस है तो तुरंत ही आपको सफलता मिल जाती है। एनर्जी बैलेंस करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी विद्याएं हैं, जो साधनाएं हैं, जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ उसको भी श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ आजमाइएगा। अच्छी भावना के साथ आप प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और एक से अनेकों बार आप प्रयोग करके थक गए हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अगर आप सही हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। आपके लिए अनुष्ठान करके, यंत्रों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भिजवाऊंगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जिसके लिए आप हमसे संपर्क करिएगा, और हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, न कि फ़ोन कॉल का प्रयोग करिएगा। फ़ोन कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, उठता नहीं है। तमाम माताएँ बहनों का भी ऐसी शिकायत रहती है कि फ़ोन उठाते नहीं हैं, फ़ोन कॉल नहीं उठता है, वजह मैंने बता दिया। आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करिए, अपना नाम तुरंत खींचा फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिएगा, मैं आपको उचित समाधान करूँगा। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो एकांत में करें। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है, और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके ही आप प्रयोग करें, सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो कोई ना कोई गुरु को
लेना पड़ेगा आपको, गुरु ढूंढ लीजिएगा। और फिर भी कोई गुरु नहीं मिलते हैं तो परेशान मत होइएगा, मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके आप प्रयोग करें, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखे सुने और समझे, और एक एक स्टेप को बारीकी से समझना है आपको, और पूरा वीडियो अंत तक देखना है। करना क्या आपको, सात लोग आपको लेना है, शनिवार की मध्य रात्रि में आसन बिछा करके बैठ जाए, आसन ऊर्जा का कुछ अलग हो, उनका कंबल का या कुछ का या कोई भी आसन आपको मिल जाए उस पर बैठ जाइए। सात लोगों को ले करके अपने हाथ में रखिए, और उस व्यक्ति का आपको 21 बार आपको नाम लेना है। किसका नाम लेना है, जिसको आप अपने बस में करना चाहती हैं या बस में करना चाहते हैं। आपने लौंग लिया, उसका नाम उच्चारित किया और उस पर फूका, 21 बार फूकना है, 21 बार आपने नाम लेना है। इतना करने के बाद रविवार को सुबह अर्थात नेक्स्ट दिन संडे को उसको जला देना है, उसका चिंतन करते हुए, उसका स्मरण करते हुए, उसकी छवि को देखते हुए लौंग को आपको जला देना है। यह आपको करना है शनिवार को आधी रात्रि को। आपने एकांत में सात लौंग लिया, उसका नाम लिया 21 बार और फूक मारा, एक बार नाम लिए और फूक मारी लौंग पर, सातों पर। ऐसा आपको लगातार सात शनिवार करना है, अर्थात प्रत्येक शनिवार को रात्रि को उसका नाम 21 बार लेकर के लौंग पर फूक मारना है, फिर संडे को आपको जलाना है। यह लगातार प्रक्रिया दोहराइए सात बार, सात शनिवार को। यह करने के बाद आप देखिएगा अगला कितना ही दूर क्यों ना हो, कितनी ही दूरियां क्यों ना हो गई हो, अगला आपको ब्लॉक ही क्यों ना किया हो, अनब्लॉक करेगा और आप लोग के बीच जो प्रगाढ़ता है, जो प्रेम है, पहले से भी बेहतर हो जाएगा। अगर एक तरफा प्रेम के शिकार है, वन साइडेड लव के शिकार है, वहाँ भी इसका प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप लोग के दाम्पत्य जीवन में क्लाइसिस बढ़ गए हैं, वहाँ भी इसका प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ इसको दोहराइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। राम राम।